अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारा भारत आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी छाया हुआ है। रिसेंटली ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेबी एब्राहम्स, जिन्हें न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से ही रुख्सत कर दिया गया इनके मुल्क, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिटेन के लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं और ये कोई मिनिस्टर नहीं है और ना ही इनकी पार्टी पावर में है। लेकिन हाँ, इतना है कि यूके पार्लियामेंट में कश्मीर को लेकर जो ग्रुप है, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कश्मीर ग्रुप, उसका नेतृत्व ज़रूर करती हैं ये, और ये ग्रुप भी कोई ऑफिशियल पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है। वीज़ा रद्द होने के बावजूद और इन्हें सारी जानकारी दे दी गई थी, उसके बावजूद ये भारत आने की हिमाकत करती हैं और खैर अपना समूह लेकर वापस चली जाती हैं। इसके पीछे वजह देखिए क्या है। ये आजकल हो चुका है कि जिसको भी अपनी राजनीति चमकानी है उसे कश्मीर का मुद्दा उठा लेना है। डेवी एब्राहम्स, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ओल्ड हैम ईस्ट, जहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा लगभग 10% है, और यानी पाकिस्तानी मूल के 10% नागरिक वहाँ रहते हैं, और उनको, उन पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये भारत आती हैं, भारत का खाती, भारत में रहती, यहाँ जहर उगलती और पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ये यहाँ पर आना चाहती थी। तो खैर, इनको तो वहीं से वापस कर दिया गया, और अब इन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि अब हम इनके ग़ुलाम नहीं हैं। अब वो दिन गए जब जुम्मन मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब इनको करारा जवाब मिला है और बड़े अच्छे से इनको इनके देश वापस भेज दिया गया। अगर भारत में आकर भारत के ख़िलाफ़ जहर उगलेंगी तो हम इसके लिए तो हम आपका हाथ जोड़ के स्वागत करने से रहे। और देखिए, बदनीयत से आएंगी तो भारत इनको इनकी औकात हमेशा याद दिलाएगा और इनका वापसी का टिकट ऐसे ही कटता रहेगा जब ये आने की कोशिश करेंगी। उधर अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रहम, इन्होंने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन संवाद के दौरान कश्मीर को लेकर कहा कि लोकतंत्र का प्रदर्शन करने का सबसे बेहतर तरीका है कि कश्मीर मुद्दे का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान किया जाए। बहुत अच्छा, ये इनके अल्फाज थे, पर इन्हें जवाब फौरन ही मिल गया और बहुत अच्छा जवाब मिला। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने इनको जवाब दिया कि भारत खुद ही इस मुद्दे को सुलझा लेगा। डोंट वरी सेनेटर, वन डेमोक्रेसी विल सेटल इट एंड यू नो विच वन। तो इनको बड़ा अच्छा जवाब मिल गया और अब ये समझ गए होंगे कि भारत के इंटरनल मैटर में कोई किसी की मदाखलत की ज़रूरत हमें नहीं है, भारत अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करना जानता है। उधर पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंचे थे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जो कि कश्मीर मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ उन्होंने बोला। कश्मीर मसले को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के मुताबिक सुलझाना चाहिए, ये इनकी सोच थी। और पाकिस्तान में क्या हो गया है कि जब भी किसी सत्ता को डर सताने लगता है कि उनकी सत्ता जा रही है या उनके पास कुछ नहीं होता, तो वो कश्मीर का राग गलापने लगते हैं। जगह जाकर वो वैसे ही भीख मांगते हैं और अब ये कश्मीर 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 करने लगते हैं। खैर, इनको भारत की तरफ से बड़ा अच्छा और स्पष्ट शब्दों में जवाब मिलता है। और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार साहब ने इनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का स्टैंड नहीं बदला है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। और देखिए, मुझे समझ नहीं आती कि कश्मीर मुद्दे को लेकर जो ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब करना चाहती हैं सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए। क्योंकि जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों पर इतना अत्याचार हो रहा होता है, तब ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से? जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था कश्मीर में, तब क्यों नहीं बोले? तब कहाँ थी ये डेबी एब्राहम्स जैसे लोग? क्यों नहीं आए? क्यों इनको फिक्र नहीं थी कोई? और बलूचिस्तान, तिब्बत, चीन, जहाँ जहाँ भी ह्यूमन राइट वॉल्यूशन हो रहा है, उसको लेकर ये लोग इस तरह से बात क्यों नहीं करते? इन्हें सिर्फ कश्मीर पर ही बात क्यों करनी होती है? अगर अफगान शरणार्थियों पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, आप वहाँ आए थे तो वहाँ की बात करते ना, आप अफगान शरणार्थियों के बारे में बात कीजिए। आपको क्या ज़रूरत है आप कश्मीर का मसला उठा रहे हैं वहाँ पर? और पाकिस्तान की तो मुझे समझ ही नहीं आती, पाकिस्तान का आतंकवादी उनकी जेल से भाग गया, बताइए, उनका आतंकवादी उनकी जेल से भाग गया, या यूं कहिए कि भगा दिया गया। उनके बच्चे चीन से अभी तक वो नहीं ला पाए, अपनी आवाम का वो ख्याल नहीं रख पाते और सपने देखते हैं वो कश्मीर के। तो इंशाल्लाह इनके ये सपने जो हैं, इंशाल्लाह वो सपने ही रह जाएंगे। और देखिए, हम भारतीय ना बड़े जज्बाती होते हैं, हम लोग सबसे ऊपर इंसानियत को रखते हैं और उसका ही फ़ायदा उठाया जाता है। वरना मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें बार बार करता है, ये अब तक होता नहीं अगर हम इंसानियत को सबसे ऊपर ना रखते। कभी आपने सोचा कि फॉरेन डेलीगेशन को ही वहाँ पे कश्मीर में अलाउ क्यों किया जाता है? इंडियन डेलीगेशन या इंडियन पॉलिटिशियन को क्यों अलाउ नहीं किया जाता? देखिए, फॉरेन डेलीगेशन या जो भी यूरोपियन मेंबर्स होते हैं, जो भी भारत के लोग भारत में आना चाहते हैं, वो लोग कश्मीर का दौरा करते हैं, तो वो वहाँ पे बड़ी बारीकी से जायज़ा लेते हैं। ये जो पाकिस्तान हर जगह हाय तौबा मचाता रहता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, जो भी ये सब बोलता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, तो वो जब यहाँ आते हैं तो उनका यही होता है कि सबसे हर जगह जाकर वो इस चीज़ को चेक करें, वो बारीकी से जायज़ा लें कि वाकई जो पाकिस्तान चिल्ला रहा है फालतू में, अपना गला इतना ऊंचा कर करके वो बोलता है कश्मीर के बारे में, क्या ऐसे ही हालात हैं? और वो फिर अपनी रिपोर्ट बनाते हैं।
आप सोचिए कि अगर भारत के हमारे हिंदुस्तान के जो सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, अगर उनको कश्मीर में छोड़ दिया गया, क्या आग लगाएंगे ये वहाँ जाके? वहाँ की जो जज्बाती आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं कश्मीरियों को, किस तरह से ये भड़काएंगे? क्योंकि ये लोग तो करते ही सियासत में सारी मजहबी राजनीति ही करते हैं, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर और मजहब के नाम पर सारी तो राजनीति होती है। तो कश्मीर में तो जो स्थितियां वहाँ हालात सुधारे जा रहे हैं, जो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम चल रहा है, जो उनको पूरे भारत से जोड़ा जा रहा है, तो वहाँ तो जाकर ये सब बिगाड़ देंगे। तो अच्छा ही है, मैं तो कहती हूँ कभी ना जाइए वहाँ पर। एक आम इंसान, कोई भी विजिटर्स की हैसियत से कोई भी जा सकता है, लेकिन अगर ये डेबी अब्राहम्स जैसे लोग वहाँ जाकर आग उगलना चाहेंगे, जहर उगलेंगे, और वो भी पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए, तो माफ़ करें, हमारी तरफ से तो इनको कभी नहीं इजाज़त मिलने वाली। और जब भी ये इस तरह की कोई हिमाकत करेंगी, भारत इनको इनकी हैसियत याद दिला देगा और इनको इनकी औकात दिखा देगा, जो कि अभी हुआ भी। और देखिए, दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर आता है और हमारे से नीचे है ब्रिटेन इस वक्त। तो इनको ये याद रखना चाहिए कि भारत को यूँ हल्के में ना लें, जिस तरह से ये लेती हैं, उभरती हुई पावर है भारत। और अगर भारत की तरफ को किसी ने गलत नज़र से देखा या इसकी छवि को किसी ने बर्बाद करने की, ख़राब करने की कोशिश की, तो भारत की तरफ से बड़ा ही माकूल जवाब जाएगा, जैसे कि अभी गया है। तो हमेशा अपने भारतीय होने पर गर्व करें और अपने भारत का ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारे मुल्क को ऐसे ही संभाल के सहेज कर रखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।